अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है समीना और आप सब देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। अल्लाह ताला की रहमत करम और फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह आप सबके लिए आसानियां पैदा करे और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलते हैं आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और जनाब, आटा नहीं गूंदा था तो मैंने सोचा कि आटा क्या गूंदना है, फटाफट हम मानी बना लेते हैं। मानी का मैंने आपको बताया था कि वो बैटर सा बना के आटे का, तो इस तरह बना लेते हैं। चकवाल में मेरे ख्याल में दूसरी दफ़ा शायद बनाए, एक बन चुकी है, दूसरी इन प्रोसेस है। जिस तरह रेडीमेड पराठे नहीं होते उस तरह के बन जाते, बड़े मज़े के होते हैं। बात को मैं सुबह सुबह धूप में, सुबह सुबह तो नहीं, खैर अब 10:15 हो चुके हैं, धूप में लेके आई थोड़ी देर, लेकिन ये इसका सोने का टाइम है तो ये अब सोना चाह रहा है। तो मेरा धूप से उठने को दिल नहीं है। ऐसी छो जो आपको मैं झूले दूँ, सही अलाउ कर लो प्लीज, अलाउ कर लो, फिर मम्मा काम ख़त्म कर लेना। छोटे छोटे बच्चों की माँओं को यही होता है कि बच्चे सोएंगे तो फिर वो कुछ काम कर सकेंगी, वरना तो मुश्किल ही है। अभी भी ये जब इस टाइम सोता है तो मैं फटाफट जो ज़रूरी काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। आज अब मैं ये कुछ नींबू जो येलो हो चुके हैं वो उतारने लगी हूँ, क्योंकि ये देखिए काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। ये अगर खुद ही गिर गए और हमें पता ना चला तो एक दो दिन में फिर वो नीचे से गल जाते हैं। तो जनाब, हम शॉपर में साथ लेके आई हूँ। इसमें ना असल में कांटे भी लगे होते हैं तो ज़रा एहतियात से निकालने पड़ते हैं। ये पूरा ही आ गया मेरे पास, ऐसे ही डालते हैं, अभी बाद में इसको सेट करेंगे। घर की चीज़ों की तो क्या ही बात है। देखिए कितने ज़्यादा लगे हुए माशाल्लाह। ये जी देख, इतने मैंने उतार लिए हैं और अब बारी है जनाब कुछ अमरूद तोड़ने की। ये मुझे उस दिन मरजान ने दिखाए थे, वरना तो डंडा लेके ऊपर से ढूंढने पड़ते हैं। अभी ये वाला मुझे येलो येलो लग रहा है। भी धो के खाते हैं अभी घर के अमरूद। मैदान पीछे होमवर्क कर रही है, उसको है कि जल्दी से ख़त्म हो तो मैं भी बैठ के ज़रा एंजॉय करूँ जी। अच्छा एक लेते हैं, इधर बाहर ही एक लगा हुआ है पाइप सा। और जी अम्मी इस दफ़ा सर्दियों का पहला मरुंडा बना रही हैं, दाने और मूंगफली, मूंगफली और चने के दाने भुने हुए, उसमें ये गुड़ को पिघलाया है और अब इसकी अम्मी कहती हैं कि तार सी बने तो उसके बाद इसमें दाने ऐड करने होते हैं, उससे पहले अगर आप ऐड करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो अभी तक इसकी तार नहीं बनी है, जब बनेगी तो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए अभी ये थोड़ा ना लिक्विड लिक्विड यानी पानी जैसा है, तो अभी इस प्रोसेस में आपने दाने ऐड नहीं करने। और ये देखिए ये जी इसकी है, ये सिर्फ अभी चने के दाने हैं और मूंगफली। आप इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, बादाम या तिल आप जो है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। हम अभी इन्हीं दो चीज़ों का बनाते हैं
और ये सर्दियों में बड़ी अच्छी एक सौगात है, खा सकते हैं आप, बहुत ही इजी है बनाना। मैंने इसकी रेसिपी चैनल पे शेयर की है, मैं दोबारा भी डाल दूँगी और अभी मैंने आपको दोबारा भी बनाना। गुड़ में बनाए तो ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है। मूँगफली और दाने अम्मी ऐड करने लगी हैं। चूल्हा बंद कर, चूल्हा इस टाइम आपने बंद कर देना है बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी ये गुड़ जो है वो गर्म होता है, क्योंकि ये बिल्कुल जुड़ जाता है, तो आपने फ़ौरन इसे हिलाना है, मिक्स हो जाए ताकि फ़ौरन, क्योंकि गुड़ के साथ ये चिपक जाते हैं, अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है इनको। और बस ये डिश हमारी तैयार, जिसको हम कहते हैं मरुंडा। अच्छा, इसमें जब गुड़ शामिल किया था तो एक चम्मच जो है वो देसी घी भी इसमें अम्मी ने बताया है कि मिक्स किया था गुड़ जब हमने डाला था एक चम्मच। ये जी मरजान तस्बी के मोती तोड़ रही है, दिखाएं मरजान कैसे तोड़ती हैं आप, तोड़ के दिखाएं कहाँ है, ये ऊपर लगे हुए, ये ऊपर देखो, ये देखिए जी, ये अब ये वाले सही पक गए हैं। और ये भैया ये ब्लैक वाले तोड़ लो, ये वाले ब्लैक लो तोड़ लो, ब्लैक नहीं डालना, ये वाले ग्रे, ये भी ग्रे, ये देखिए जनाब, हाँ ये ब्लैक और ग्रे जो होते हैं ना वो फुल पके रहते हैं, बाकी अगर साइज़ इनका आपने सिर्फ चेक करना होता है, जैसे ये अब ब्लैक है ना, किधर गया ये, तो ये भी आप तोड़ सकते हैं, जो फुल ग्रीन है, जैसे ये मैं बीच में आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ ग्रीन है, मज़ा ना अभी नहीं लाओ ना, एक मिनट ठहरो मैं दिखाना है, इस तरह के तो ग्रीन वालों का भी साइज़ अगर बड़ा हो चुका है लेकिन वो कलर में ग्रीन है तो वो आप तोड़ के रख लें, एक दिन आप रखेंगे तोड़ के तो नेक्स्ट डे जो है वो, ये तोड़ा ये वाला, ये इसमें मैं आपको एक ग्रीन तोड़ के दिखाती हूँ, मैंने एक आदमी असल में ना बात को भी उठाया हुआ था, बड़ी मुश्किलों से ही मैं तोड़ रही, एक मिनट बाद पौधे नहीं लाओ, तो ग्रीन वालों को भी अगर आप तोड़ के रखेंगे, जैसे इसमें ये आपको ग्रीन नज़र आ रहे होंगे, ये अब मैं आपको सुबह दिखाऊंगी तो ये सब खुद ही ऑटोमेटिकली ना मतलब वाइट और ग्रे हो जाते हैं, मतलब साइज़ अगर आपको मिल जाता है सही वाला तो आप इसको तोड़ सकते हैं ग्रीन दानों को भी। ये देखें इधर ये ब्लैक वाला कितना बड़ा हुआ है माशाल्लाह, ये काफ़ी ज़्यादा हो गए, 4 तस्बियाँ जो है वो शायान बना चुका है, ये देखें ये कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, अभी मैं ज़रा बात को कहीं ठिकाने लगा के आऊँगा तो फिर आराम से आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी, बात छोड़ दो। कुछ मिला एक अच्छा सा फ्लावर जिसको फूंकते हैं, ये देखो ये है ना, इसको फूंकते तो उसके वो तोड़ जाते, वो है देखा, ये मैंने तोड़े मजान सारे, सही सही कहती है मैंने ग्रीन वाले नहीं तोड़ने, ये देखिए इसने कितने अच्छे तोड़े, लेकिन ये ग्रीन वाले भी जो है ना ये सुबह ये इस कलर में दोबारा हो जाते हैं खुद ही से। ये जी सारी आवाम तस्वीरें बना रही है इधर, वो किधर है जो उसके ऊपर लगाया है शायान माशाल्लाह से, ये 4 तस्वीरें बना चुका है इसका, ऊपर से ये जो फुम्मन हमें इसे कहते हैं वो भी बन गया माशाल्लाह, ये 100 दानों वाली तस्वीर, ये माशाल्लाह सारी इस पर अभी लगाने हमने फुम्मन, ये आप ही लगा रहे हैं इसमें, ये इस तरह से उंगलियों को फोल्ड करते हैं ढाबा, और एक काम करने
ये कांदा इस तरह आधा इस तरह बीच में से फोल्ड करके बीच में से गिरा लाएंगे। ये बराबर हो गया, ये बराबर फेंट रहे हैं। और ये जी तस्बीह माशाल्लाह से फिर तैयार हो जाएगी। ये अब देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं मोती। पौधा घर की तस्बीह दाने की, इसका प्रिंट चेक करें माशाल्लाह। बाहर जो है वो सोया हुआ था, तो मेरा अचानक बाजार जाने का प्रोग्राम बन गया है। तो बाद आज माशाल्लाह काफ़ी देर से सो रहा है, तो पहले मैंने फटाफट बर्तन धो लिए और अब मैंने सोचा कि वापस आके तो थका हुआ होता है बंदा, दिल ही नहीं करता कुछ काम करने को, तो सालन बेबी बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पे मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ और मरजान को शौक़ होता है इसमें चम्मच हिलाने को। लाइट आज चली गई है, ये यूपीएस पे चली गई इसीलिए थोड़ी कम आ रही है। लाइट का पता नहीं क्या है, हिसाब किताब है जनाब। चली जाती है हर दो दिन बाद, 9 बजे जाती है और तकरीबन 2:30-3 बजे आती है। मैं समझ रही थी वहाँ मानसेरा में ही कुछ मसला है, लेकिन यहाँ पर भी वो मेरे ब्रदर इन लॉ बता रहे थे कि कुछ लाइने शाइने नई तारें शारें डालनी है, तो इसलिए तो आज फिर 9 बजे की है तो 2:30 बजे आनी है लाइट। चीज़ें मैंने काट के रख, लहसुन का पेस्ट तो अम्मी वैसे ही बना के रख लेती हैं, और प्याज मैं फ्राई कर रही हूँ साथ टमाटर। दाल मैंने भिगो के रख दी है और बस फटाफट अल्लाह करे उसके जागने से पहले भी बन जाए तो बस मेरी छुट्टी, काम शाम सारे हुए हुए होंगे। ये जी ताज़ी ताज़ी मूँगफली अम्मी को मिली है। अम्मी जहाँ नींबू देने गई थी आगे से अम्मी को मूँगफली मिल गई, तो अम्मी बड़ी खुश हुई है और अम्मी सिरा रही है और अम्मी फौरन जो है वो फ्राई पैन में से भून रही है। सही बड़े बड़े दाना, ये धूप में बैठ के हम खाएंगे और मज़े उड़ाएंगे। और जनाब मेरा सालन भी बस अब इसे दम देना है और ये हो जाएगा तैयार और उसके बाद काम ख़त्म। ये जी हमारे हमसाए अभी अभी हलवा दे के गए हैं, उनका उनके घर छोटा बेबी हुआ है और मरजान और इबाद दोनों को ये हलवा बहुत पसंद है। इबाद अभी अभी उठ गया और एज़ यूजल उसको कार्टून्स पे लगाया थोड़ी देर बैठ जाए, क्योंकि थोड़ी देर में हमने फिर बाजार निकलना। पुपलू हलवा कहाँ ने मिले बेटे ने, हैं आलू खिलाऊँ आपको छोटा चा आलू खिलाऊँ, ये लो आलू थाए ठंडा। सर्दियों में हलवे भी बड़े मज़े के लगते हैं जनाब। हम भी वेट कर रहे हैं कि हमारी सिस्टर्स सारी आ जाएँ तो फिर हम गजरेला बनाएंगे। जी दाल हमारी तैयार हो चुकी है, देखिए कितने मज़े की। अम्मी ने ऊपर से खुश्क मेथी भी डाली है और इधर अब्बू ने फरमाइश की कि जी साथ इसके चावल बॉईल करो, तो ये चावल बॉईल कर रही हूँ। मजान छोड़ो, तो ये था जी आज का ब्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।